हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत ही काम की है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। अक्सर घर में बुजुर्गों के पास हर समस्या का समाधान मिल जाया करता है जो बहुत रामबन इलाज होता है, और ऐसी ही मैं छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएँ लेकर आई हूँ। तो पहला टिप्स है, अगर कान में आपका दर्द होता है तो प्याज को क्या करें ना, महीन उसको पीस लें और उसका रस निचोड़ कर कपड़े से छान लें, फिर उसे गरम कर ले, गुनगुना सा गरम कर ले हल्का सा, और 4-5 बूंद कान में डालने से ना कान का दर्द जो है ख़त्म हो जाता है और काफ़ी आपको आराम मिलेगा। दूसरा टिप्स है, दांत में अगर दर्द होता है तो हल्दी और सेंधा नमक को महीन पीस कर उसको शुद्ध सरसों तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करें, करने से ना दांत में काफ़ी राहत मिलता है और दांत का दर्द भी ना बंद हो जाता है। तीसरा टिप्स है, दांत में सुराग, दांत में अगर आपका सुराख है ना तो कपूर को क्या करें, महीन पीस लें और दांत के को उंगली से लगाएं और उसके उसमें मले जो कपूर आपने महीन पीसा है, और सुराख जो है ना उसे अच्छे प्रकार से पहले साफ़ कर ले, वहाँ पर गंदगी नहीं रहना चाहिए। फिर सुराख के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबाकर रखने से ना दांत का दर्द में काफ़ी आराम मिलता है और दांत का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, आज वीडियो में एंड तक बने रहें। तो अगला टिप्स है, गिल्टी अगर आपको हो जाता है तो प्याज पीस कर उसे हल्का सा गर्म कर ले और उसमें गौमूत्र मिलाकर उसे छोटी सी टिकरी जैसा बना ले और उसमें कपड़े के सहारे गिल्टी पास बांधने से ना गिल्टी का दर्द में काफ़ी राहत मिलता है और जो गिल्टी आपको हो गया है ना वो ख़त्म भी हो जाएगा। पांचवा टिप्स है, अगर पेट में आपके केचुए या कीड़े हो गए हैं तो एक बड़ा चम्मच सेम का पत्तों का रस और शहद लगभग मिलाकर प्रातः मध्या एवं शाम को सुबह दोपहर शाम को पीने से केचुए तथा कीड़े 4-5 दिन में मरकर बाहर निकल जाते हैं और काफ़ी राहत भी आपको मिलेगा। छठा टिप्स है, बच्चे के पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे को पेट में कीड़े हो जाने से तो बहुत परेशान करते हैं ना, तो छोटे बच्चे को अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो क्या करें, सुबह शाम प्याज का रस को गर्म कर ले, उसको महीन पीस कर और एक तोला पिघलाने से कीड़े अवश्य मर जाते हैं। धतूरे का पत्तों का रस निकाल कर उसे गर्म करके उसका गुदा लगाने से भी चूने लघुकर्मी में काफ़ी आराम होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में फैमिली ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा।